नमस्कार आदाब, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। बुलंदशहर में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब तक कोरोना जहां तंग गलियों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक जड़ जमा चुका था, तो वहीं यूपी के पंचायत चुनाव के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बुलंदशहर में भी ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पिछले 15 दिनों के भीतर दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन गाँव में कोरोना की जांच करने पर कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शहर के परवाना के बाद अब आरएसएस के पूर्व सर संघचालक राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया के पैतृक गांव बनेल और शिकारपुर तहसील के गांव केलावन के ग्रामीण इन दिनों कोरोना की दहशत में जीने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, पंचायत चुनावों के बाद ग्रामीण इलाकों में फैल रहे संक्रमण के बाद गांव के गली मोहल्लों में भी सन्नाटा पसरा है। केलावन में जहां एक महीने में करीब 20 से 30 लोगों की मौत की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना की जांच में जुट गई है, तो वहीं बनेल में भी बीते 15 दिनों में अब तक रज्जू भैया के पोते समेत 21 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। केलावन में की गई 61 जांचों में जहां 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, तो वहीं बनेल में 77 जांचों में 21 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। 15,000 की आबादी वाले आरएसएस के पूर्व सर संघचालक रज्जू भैया के पैतृक गांव बनेल के लोगों का आरोप है कि 21 लोगों की मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम सिर्फ एक दिन गाँव में जाँच के लिए पहुंची थी, जिसमें 77 जांचों में 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी ना तो 15,000 की आबादी के इस गांव में जांच का दायरा बढ़ाया गया और ना ही प्रशासन का कोई अधिकारी उनकी सुध लेने पहुंचा। गांव-गांव कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। इस वक्त मौजूद हैं हम गांव बनेल में। यहां ग्रामीणों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं इस गाँव में अब तक कितने कोरोना से जो कोरोना केस के पॉजिटिव आए हैं। आइए हम आपकी बात कराते हैं गांव के कुछ लोगों से। जी सर, मेरा नाम भरत प्रताप तोमर है, मैं गांव बनेल का रहने वाला हूं। अब तक हमारे गांव में 27 तारीख से लेकर अब तक 20-22 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 5-6 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वो 5-6 लोग पॉजिटिव कोरोना निकले हैं और उनकी 5 की मौत हुई है। अच्छा, और कितने एडमिट हैं इसमें जो गांव के? हमारे गांव में जांच हुई है, जांच में केवल 77 लोगों की जांच हुई है। 77 लोगों में 19 पॉजिटिव पाए गए हैं। 16,000 की आबादी का गांव है हमारा। 16,000 की आबादी में अभी टेस्ट होने चाहिए, जो प्रशासन की ओर से एक दिन टेस्ट होने के बाद में कोई भी टेस्ट नहीं हुआ है। केलावन में भी जहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटने पर सोमवार को टीम को गाँव भेजा गया, तो वहीं 61 लोगों की जांच कराई गई और उनमें भी 2 लोगों की एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आगे पूरे गांव की जांच कर आवश्यक कदम उठाने की बात कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा है, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात। यहाँ पर सूचना मिली थी कुछ मौतें हुई हैं, है ना, तो उसके आधार पर हमारी टीम यहाँ पर आई है, जिसमें से 61 लोगों की हमने जाँच की है, जिसमें एंटीजन और RT-PCR दोनों के तरह के टेस्ट किए गए हैं। RT-PCR की 35 जांच हमारी आज ली गई हैं जो पेंडिंग है, और एंटीजन टेस्ट में 2 लोग पॉजिटिव आए, जिनको हम आइसोलेशन कर दिया गया और दवाइयाँ दे दी गई हैं। देखिए, ऐसा है, हमारी ANM और आशाओं के द्वारा गांव का सर्वे कराया गया है। जिन घरों में मौत हुई है उन घरों का भी सर्वे कराया गया है। प्रॉपर कॉज ऑफ डेथ अभी हम क्लियरली नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ मौतें गाँव में हार्ट अटैक से भी हुई हैं, है ना। एक मौत बताई जा रही है जो कि कोविड से हुई थी, जो कि JP में एडमिट था। बाकी कोई हार्ट अटैक से हुआ है, कोई अचानक एक्सपायर हुआ है, तो उनका अभी कोई एविडेंस है नहीं कि वो कोविड से एक्सपायर हुआ। देखिए, स्वास्थ्य विभाग को जैसी सूचना मिली है, हमारी गांव की मतलब आशा के द्वारा सर्वे कराया गया। गांव में कई दिन पहले से सर्वे कराया जा चुका है, जो जिसमें आशा जो हमारी घर घर जाके सर्वे कर ली है, भाई घर में कोई बीमार तो नहीं है, बीमार है तो उसकी जाँच कराइए, दवा लीजिए, सारी चीज़ें हमारी आशा के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, इसके बारे में हम बात करेंगे प्रशासनिक अधिकारी से। बाकी प्रधान जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आज आके देखा, प्रधान जी का कार्य बहुत ही सराहनीय है, लोगों को जागरूक करके लेके आ रहे हैं, है ना। साइड उमेश कुमार, ग्राम प्रधान केलावन। 35 लोगों की मौत हो चुकी है इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद भी हो गई 10-5 मौत। कोरोना की टीम जांच कर रही है, दवाई दे रहे हैं। ये गाँव में मौत हुई है जिनकी, उनकी उम्र 60 से प्लस थी सबकी, और 2-3 मौत ऐसी हो चुकी हैं जो
40 साल से नीचे थी। सैनिटाइजर मैंने खुद कराया कल गाँव में, सैनिटाइजर करते रहे भैया, घर में रहे, घर से नहीं निकले, मास्क लगा के। तो जी आपको पहली बार ऐसा सीजन आया है, बुखार बुखार में ज्यादा हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब 60-65 साल से ऊपर खत्म हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जहां हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत में अंतर दिखा, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए इंतजाम भी नाकाफी साबित हुए। जबकि इस पूरी पड़ताल के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि जब शहरों में मरीजों का ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा, तो ऐसी स्थिति में अगर गांव में भी संक्रमण निरंतर बढ़ता रहा तो उन स्थितियों में किस तरह काबू पाया जाएगा। टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से सुलेमान जायसवाल की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।